आज बनाया है ये डोरमैट। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। ये मैंने इसमें मैंने ना सिलाई का इस्तेमाल किया है, ना सीने का इस्तेमाल किया है, सुई धागे का इस्तेमाल नहीं किया है। इसमें मैंने सिर्फ मैंने इन दो उंगलियों की सहायता से बना के तैयार किया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम साड़ी में जो लेस होगी उसे निकालेंगे किनारी से। इस तरीके से साड़ी में से लेस को निकालेंगे। फॉल रखी होगी तो फॉल को भी निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, ये दो कलर की धोती है, ऊपर का कलर और है, नीचे का कलर और दूसरा है। तो इसे हम पहले अगल करेंगे, यानी इसे हम कट करेंगे पहले। अगर आप एक कलर की साड़ी है तो आप उससे भी बना सकती हैं। अब क्या करेंगे, अब हम यानी किसी से भी नाप कर सकती हैं, आप अपने हाथों से भी नाप कर सकती हैं। तो देखिए अब इसमें से हम 8 इंची यहाँ पे हो रहा है और एक ब्लैंड भी यहाँ पे हो रहा है। अगर आपके पास फुटा नहीं है तो आप एक ब्लैंड साड़ी कट कर सकती हैं। ऐसे ही नाप नाप कर उंगलियों से कट कर लगा लेंगे कट का निशान। अब इन्हें लंबी लंबी पट्टियां हम कट कर लेंगे इस तरीके से। तो अपनी ऐसे ही पट्टियों को सभी को कट कर लेते हैं पहले। तो देखिए मैंने ये पट्टियां कट कर ली हैं एक कलर की। तो अब मैं सिर्फ उंगलियों से आपको डोरमैट बना के दिखाऊंगी। इस तरीके से पहले अपनी साड़ी को पकड़ेंगे, साड़ी की चीर को देखो इस तरीके से। ये मैंने इस छोर के ऊपर ली है, देखो। अब यहाँ से ऐसे करेंगे, ये मैंने एक फंदा लगा लिया है देखो। अब इस फंदे में से इसे निकालेंगे, फिर दोबारा से ऐसे ही उंगलियों में से ऐसे लेंगे। देखो इस तरीके से फंदे से बनते जाएंगे, देखो। तो देखिए मैंने दो बार इस तरीके से ये जाली सी पाड़ी है, एक ये एक ये। अब क्या करेंगे, मैं गोल आसन बना रही हूँ तो यहाँ से इन दो उंगलियों को फंसाएंगे यहाँ से। इसमें से अपनी जो साड़ी की चीर चल रही है उसे निकालेंगे, देखो ये निकल गई। तो देखिए ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ। अब इस वाली में से उंगली डालेंगे इन दोनों उंगलियों को इस तरीके से, अपनी जो कपड़ा की पट्टी चल रही है उसे ऐसे उंगलियों में से पकड़ेंगे और ऐसे निकाल लेंगे। ये मैंने निकाल ली देखो। फिर दोबारा से इस वाली में डालेंगे इसे ऐसे। तो ऐसे ही घुमा घुमा कर देखिए चोटी की तरह, देखो आप देख रहे हैं डिजाइन बन रही है ना। अब इसमें दूसरी पट्टी लगाएंगे, तो आप दूसरी पट्टी को सिल भी सकती हैं इसे, मगर मैं सिलकर नहीं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि मैं तो बस इसमें अंटा लगाऊंगी। दूसरी पट्टी को रखूंगी ऐसे, इसके अंदर इसे रखूंगी, ऐसे अंटा लगा लूंगी। अब ये ऐसे ही जॉइंट हो गई मेरी पट्टी। तो ऐसे ही अपना डोरमैट बनाते जाएंगे। तो देखिए ऐसे ही मैंने ये कितनी प्यारी सी गुदगुदा सा ये डोरमैट बनके तैयार होगा, देखो। इस तरीके से कलियों में देखो, अब
अब इसमें मैं दूसरी साड़ी लगा रही हूँ, दूसरा कलर लगा रही हूँ, ताकि आप समझ सकें कि इस तरीके से इसमें इसे बनाया है। तो हम साड़ी भी इसी तरीके से लगाएंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इसे अंदर की तरफ रखा है मैंने और ऐसे अंटे लगाए हैं। अब इनमें से दो उंगली डालेंगे इस तरीके से और इसे यहाँ से निकाल लेंगे। ये मेरी साड़ी भी जॉइंट हो गई। देखिए ऐसे ही अब इसे बनाते जाएंगे। देखो तो देखिए इसी तरीके से हम अपनी उंगलियों की सहायता से इसे डोरमेट को बना लेंगे। अब इस वाली में डालेंगे उंगलियां, देखो दूसरी बार इस वाली में। अब यहां से ज्यादा बड़ा मैं नहीं बना रही हूं तो इसमें इस तरीके से निकाल के नॉट लगा देंगे। देखिए कितना प्यारा सा गुदगुदा सा ये डोरमैट बनके तैयार है। देखो कितना मोटा है, ये कितना सॉफ्ट है ये। तो ये डोरमैट मेरा बनके तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।